करता हूं। प्रथम सबसे पहले मही का अर्थ धरती होता है, मही का अर्थ पृथ्वी होता है, सुर का अर्थ देवता। सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को मैं वंदन करता हूं। मोह जनित संशय सब, जिनके ज्ञान के प्रकाश से मोह रूपी अंधकार दूर हो जाता। कहते ना पुरोहित, तो उन्हें जी हमारे पुरोहित पुर यानी गांव, हित अस्तु, पुर यानी बहुवचन हो गया, पुर यानी एक वचन हो गया। जो ब्राह्मण अनेक गांव के लोगों के लिए अस्तु, सृष्टि मंडल के लिए ही कल्याण की कामना को लेकर ईश्वर से प्रार्थना करे, ऐसे को पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित आपके लिए मंगल कामना करना है तो कौन करेगा? 500 रुपया रोज का आदमी तो खेत में हल चलाने को मिलता नहीं। ब्राह्मण बैठेगा, सेवा करेगा, आप संकल्प देके बाजू हो जाते हो, आपका सारा पाप उसके हाथ पे आता है, उसकी क्रिया का समय दो। कहते बड़े होशियार होते हैं जवान तिवारी बाबा, संभाल के लेना संकल्प। कर पात्र बराय विष्णु नमः, दानवी करते हैं तो कहते हैं। कर यानी ये हाथ, पात्र यानी जिसमें वो सामान रखा है, ये दोनों छोड़कर इसकी वस्तु दान कर रहा हूं। भगवान के मंदिर में आके भगवान से ये मांगेंगे मेरे घर में दौलत आ जाए, पर भगवान को मांगने वाला आ जाए तो इस जीवन में धन्य हो जाए। भगवान को मत मांगो, खाली भगवान से धन मांगो, कहां ले जाओगे वो धन, सब छोड़ के जाने। सुदामा जी अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, लेकिन नारी का हठ, योगी का हठ, बाल हठ, अगर ये ना हो तो बिगाड़े हमारा आपका मठ। एक हास्य मैं तो सुना दूंगा। एक बार सती के घर लक्ष्मी सरस्वती का आगमन हो गया है। कहते हैं सती तू यहाँ जंगल में रहे, हिमालय में पड़ी रहे, बाबा घूमता रहे, ये तीन बैठे ना तो दुनिया में कुछ चीजें रुकती नहीं है, समय का चक्र, घोड़े का कान, पीपल का पान और हमारी माँ की जुबान, ये बहुत कम बंद रहती है, इन्हें चर्चा चाहिए। चर्चा हुई है कि तुम इन वैरागी के साथ यहाँ पड़े हो, ऐसे पड़ी हो, ये है वो है, और हम तो देखो महलों में रहते हैं, हमारे पास फलाना है कमी है। अरे कुछ ना करे तो खेती तो कर ही लेनी चाहिए। अब एक बार इनके दिमाग में आप कोई चीज कह दो तो आर या पर, अगर आप अपने घर जाओ ना भैया तिवारी, और जाते ही आपके परिवार के बालक गणेश जी, आओ जी कहाँ थे, तो खुश होकर हाथ जोड़ लेना है भगवान, ऐसे ही श्रद्धा बना के रखना परिवार में। और अगर जाते कह दिए टाइम ना मिला अभी तक, उस दिन भी हाथ जोड़ना है भगवान, ज्वालामुखी ना फटे तो अच्छा। तो क्षणिक रुष्टा, क्षणिक तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणिक क्षणिक। भगवान शंकर का आगमन होता है, सती कहती आ गए, मिल गया टाइम। कहते हैं ठीक है देवी, कोई आया था घर में, कौन आया था? सरस्वती लक्ष्मी। आपको कैसे पता कि इतना सुंदर महामंत्र वही लोग दे सकती हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता? माँ बाप से तो मंत्र लिया ही नहीं जाता नहीं जी। हमारे चार धाम तीर्थ संसारी के था, हमारे भी तीर्थ, हमने कहा जी कौन कौन से, कहे सासू तीर्थ, ससुरा तीर्थ, आगे वाली लाइन में भूल गया, आप याद कर लो तिवारी जी। माँ बाप से तो सलाह लेना ही नहीं है, मतलब बहनों की सलाह पे घर चले। और आज बिरट गई है, कहती देखो बैरागी पना छोड़ो और खेती कर लो आज से। ये जी खेती कर लो पर हल चाहिए, बीज चाहिए, बैल चाहिए, कहाँ से लाऊं?
बोले मुझे सब पता, मैं बताऊं वहां पे ले आई हूं। अगर घर में कह दे ना रहना तेरे भाई के साथ बंटवारा कर ले, और तू कह देगा कि ना भाई ना, कहाँ जाओ, तू चिंता मत कर, मेरी सहेली है ना डीएलएफ में, वहां से करके मकान ले लो, पर रहना ना साथ में। आज सती भी वैसी कह रही कि मैं बताऊं कहाँ कहाँ मिलेगा क्या क्या। विवेक देख लीजिए, कहे राम जी से वसुधा, कुबेर जी से भी जमागी, रोहनी कुमार जी से हल मांगी जी। कह पृथ्वी के राजा है राम जी, उनसे जमीन ले लो। कुबेरन धन के देवता है, उनसे बीज मांग लो। और हल रोहिणी कुमार बलराम जी से हल मांग लो। कह देवी बहल कहाँ से आवेगा, कह जितना कम उतने करते जा, बाकी व्यवस्था में कर लो, सीधो चलते जा, बस सीधे चलते जा, जैसे मैं बोलू मैं बताऊ कहाँ है बैल। कह कहाँ, कहे एक बैल घर ही नाथ, दूजे अमराज पास, दोनों की जोड़ी नाथ लगा लीजिए। एक अपना नंदी, दूसरा अमराज के पास से दोनों को जोड़ लो। कह जुआ कहाँ तलाऊ, कह जुए की कमी है नाथ, बात मानो प्राण नाथ, आपनो त्रिशूल फाड़ी तीन पाल कीजिए। इसके तीन पाल, कहे वो भी ठीक, अब इन्हें खाना कौन देगा, नेर कौन डालेगा, जानवरों को खाना पानी कौन देगा। कहे जोते गे गजानन, चरावे गे खजानन, खात पहुंचा मन का कार्य नाथ हमें दीजिए। गणेश जी हल चलाएंगे, कार्तिकीय जी वहां का चारा पानी करेंगे, और खाना लेके मैं आऊं, पर भोले नाथ खेती कर ले बस। हटियो, एक सासू और बहू का झगड़ा हुआ, पति आया घर में। जी आपका ध्यान चाहूंगा प्रधान जी। पति आया आते ही कहे सुन ले उरे को, मजे ना रहे ना बुढ़िया के ढंग। बोले क्यों, बोले रात दिन लड़ती रहे लड़ती रहे लड़ती रहे, बना रहा हूं मैं आके संग बंटवारा कर ले। बेचारा सत्संगी था, बोले एक बात सुन, यू भी तो तेरी माँ लगे, माँ जैसी ना यू तेरी। बोला चुप बैठो, माँ जैसी है, माँ तो ना, माँ जैसी है। बोले ना रही, वो तो जन्म की माँ, यू कर्म की माँ। क्या तुझे सासू ना चाहिए, बोले चाहिए। बोले फिर झगड़ा किस बात का, कहे सासू चाहिए पर जिंदा ना, फोटो में चाहिए, कोई रोक टोक ना करे। महाराष्ट्र के ऐसे लोग हैं, आज सुदामा जी समझा रहे हैं, पत्नी नहीं समझ रही है महाराज, और हट में कन्हैया जी की तरफ रवाना हुए। अब ध्यान दे, आपका कोई बहुत बड़ा मित्र हो, अगर वो बड़ा आदमी बन जाए तो उसके घर जाने के लिए वैसे वस्त्र वैसी व्यवस्था, गरीब ब्राह्मण के पास तो महाराज कुछ है ही नहीं। ये गरीब ब्राह्मण के पास में जब कुछ है नहीं तो सुदामा जी आज कैसे जाए। कहते अरे मैं कैसे जाऊं, मेरा सखा तो बहुत बड़ा राजा है, तीनों लोगों का अधिपति है, उसके पास जाता कैसे। अच्छा, तांदूल चावल के छोटे छोटे टुकड़े एक पोटली में बांध कर दिया है, और सुदामा जी पोरबंदर से चल पड़े। सुदामा की जन्मस्थली महाराज पोरबंदर में है। द्वारिकाधीश और भेंट द्वारिका दोनों अलग अलग है। द्वारिकाधीश में भगवान ने राज किया है, और भेंट द्वारिका चारों तरफ से समुद्र है, बीच में 32 किलोमीटर का एक टापू। प्रभाव अगर आप में से कोई गए होंगे तो ध्यान करिएगा कि द्वारिकाधीश में
गोमती नदी के किनारे समुद्र की जो लहरें हैं बहुत ऊंची हैं, मतलब सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें आती हैं, और वहां से 32 किलोमीटर दूर मीठापुर से क्रॉस करके जब हम उसमें जाते हैं द्वारिकाधीश में, तो समुद्र वही है और वहां की लहरें बड़ी स्थिर हैं, वहां की उतनी तीव्र लहरें नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यहां मेरे नारायण रहते हैं। गंगा जब गौमुख से चली कल कल करती हुई, शिव काशी में बनारस में ध्यान लगा रहे थे, गंगा को शिव ने कहा तुम यहां नहीं आ सकती। बोले मैं आ नहीं सकती और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। बोले आओगे जरूर, आने देंगे, पर यहां पर तुम आवाज मत करना, क्योंकि यहीं पर योगी ध्यान लगाते हैं। अगर आप बनारस के घाटों को देखोगे तो गंगा की पानी में आवाज नहीं है, और जैसे ही आप थोड़ा आगे आओ तो तूफानी आवाज आ जाती है। अस्तु, मेरे परमात्मा आज भी इस पृथ्वी पर है। जैसे आप बनारस में रहोगे ना, वहां पर आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, और जैसे वहां से थोड़ी दूर गए तो आवाज आएगी। वही तो है मणिकर्णिका घाट, जहां शिव ने कहा है कि जिस दिन यहां पर चिता जलनी बंद हो जाएगी, काशी में प्रलय आ जाएगा। त्रिशूल पे टिका है ना काशी। द्वारिकाधीश के लिए सुदामा चले हैं। आज के हिसाब से अगर जोड़ा जाएगा तो नहीं तो 270 किलोमीटर जाना है सुदामा जी को पोरबंदर से। सुदामा जी चले जा रहे हैं, पैर में बिवाइया है, गरीब आदमी है, उनके पास नहीं। अब सुदामा जाएंगे कैसे वहां? चले जा रहे हैं। भेंट द्वारिका, उसी लिए उसका नाम पड़ा, क्योंकि वहां पर कृष्ण और सुदामा का मिलाप हुआ था, इसलिए उसे भेंट द्वारिका। मुख्य द्वार पर जाकर पहुंचते हैं, आप द्वारपाल ने रोक दिया है, नहीं जाना अंदर। कहां जा रहे तू बाबा, कहां से आ गया? क्योंकि यथार्थता है, आजकल लोगों को हुआ है आवरण, धन, वैभव, दिखावे, पाखंड और आडंबर की जरूरत है। कलयुग में तो सत्य का निरादर है और आडंबर की उपासना है। जिनके पास धन है, भले उन्होंने कुमार्ग से कमाया हो, उनको हमेशा मान मिलता है, और जिनके पास सत्य और साधना है उन्हें हमेशा अपमान मिलता है। ये कली का कुप्रभाव है। सुदामा जी को द्वारपाल ने रोक दिया है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। आज सुदामा के अंदर फिर से मित्र भाव जग गया है। रुक जाओ जाओ, बड़े क्रोध में कहा उन्होंने तिवारी जी, जाओ और उस कन्हैया से कहे आज मित्र का अधिकार जग गया, आप मुझे रोक रहे हो ना, जाओ और उस कन्हैया से। अरे द्वारपाल, उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपाल उस कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदा कहीं बाजा द्वारे सुदामा करी।
तो हरि से नहीं मानता कहता कर दो हरि से कि मिलने सखा मर्द सती बनाया है द्वारे तुदामा करीब आ गया है द्वारे सुदामा करीब आ गया है द्वारे सुदामा करीब आ गया स्वागत कैसे हो। भाग करके कन्हैया ने अपने मित्र को सीने से लगाया। कहते हैं ना कि भाई वो है जो भय से मुक्त कर दे, वो भाई नहीं जो भयभीत कर दे। मित्र तो वही है तो जो मित्र भाव को कभी ना भूले। कन्हैया जी अपने आसन से उतर के आते हैं। कितने भी बड़े राजा हो गए लेकिन भाव याद है, सीने से लगाते हैं। तो महाराज कन्हैया जी ने अपना सिंहासन छोड़ दिया है। मानवता है कि जब आपसे अपने बड़े कहीं खड़े हो ना तो बैठे हो तो आप खड़े होकर उन्हें स्थान देना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति की मर्यादा का विषय। अब तो सासू बर्तन धोके चाय पिला दे तो बहू बोलती है अब मैं बाद में उठ रहा हूं, तबीयत खराब है। कुछ ऐसा होगा, सासू उठे 5 बजे, बहू उठे 9:30 बजे। यहाँ का तो पता है जी, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ऐसा ही कुछ है। यहाँ देखिए वास्तविकता में यहाँ बेटी का व्यवस्था है। सासू एक माँ है और बहू उसकी बेटी जैसी है। दशरथ जी ने जब जानकी को ब्याह कर लाए थे ना तो कौशल्या से एक लाइन कही थी कि पर अभी तो पता नहीं तोरे घर आई रखियो नयन पलक की नहीं। इन्हें अपने पलकों पे संभाल के रखना, ये दूसरे की बेटी। आपके रिश्ते को सम ढी, सम का मतलब समान,
आपकी बेटी जैसी बेटी मैंने आपको दान कर दी, यानी हमारे से हो गए सम समधि। या तो प्रमाण आया एक जगह कि जानकी जी जब कौशल्या की सेवा करने जा रही थी, उनके पैर में बुहारी लग गई, झाड़ू लग गया और झाड़ू में आग लग गई। कौशल्या जी ने कहा, लाली कल से मत आइयो सेवा करने। बोले क्यों? बोले लाली तेरे पैर के लगते जब झाड़ू जल गई, कहीं मैं जल जाऊं। कौशल्या की समझ से जानकी ने विनम्र भाव से कहा, अरे माँ, जलता तो वो है जिसमें विकार हो, जलता तो वो है जिसमें द्वेष और राग होता है। अरे माँ, तू तो प्रेम की सागर है, तेरी गोद में आकर के तो तू सारी आग बुझ जाती है। यहाँ जलने की बात ही कहाँ होती है, ये भाव बहू और सासू ने बैठा दिया है सुदामा जी को। और उनकी हालत को देख करके कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पैर धोने के लिए विप्र के पैर धोए जाते हैं, थाली मंगाई है, पानी मंगाया है, रुकमणी जी लेके आई है। तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रामावतार में भी भगवान के तीन जगह पैर धोए गए थे। कितनी जगह तिवारी बाबा? तीन जगह। सबसे पहले महाराजा जनक ने दामाद के स्वरूप में धुला था, शिवरी ने नेत्र के अश्रु धाराओं से धुला था, और केवट ने भाव से सुरसरी के तट पे धोए। तीन बार धोए। पैर को कन्हैया जी धो रहे हैं तो धोते ही चले जा रहे हैं, धोते ही चले जा रहे हैं। जीवात्मा परमात्मा का मिलन और मित्र का मिलन, एक वो दोस्ती और एक आज की दोस्ती सुनी जाए। आज की दोस्ती कि दोस्ती बेहद अच्छी, दोस्ती बेहद अच्छी, लेकिन मुश्किल है इसका निभाना। मेरे कितने काम आएगा, अगर काम का नहीं तो उससे मित्र व्यवहार। जेब में 1000 की नोट दिखाई पड़ी तो चाय भी कॉफी पियोगे जी? ये अवगुण बाबाओं में भी आ गई है। हमारे जैसे पाखंडी प्रवक्ता भी इसे देखने लगे कि 10,000 रुपए आरती देने वाला चेला तो व्यासपीठ पे, गरीब है तो पीछे। धर्म को बेचने वालों कहां मरोगे? ठाकुर जी ने बहुत दिया है, खाली प्रचार करो, धर्म का बिका नहीं करते। 1,00,000 डोनेशन देने वाला है तो भागवत जी की माला उसके गले में, और एक गरीब पीछे बैठकर सोचता है मैं भी व्यास जी से मिलूं। नहीं नहीं, खराटे मार कर सोएंगे, बोले व्यास जी सो रहे। ऐसा मित्रवत व्यवहार है। मेरे घर आओगे तो लाओगे क्या?
तुम्हारे घर आऊंगा तो खिलाऊंगा क्या, ऐसे व्यवहारिकता दोस्ती की। धनवान है तो अच्छा मित्र, गरीब है जान दे बिचारे को यार जान दे। दोस्ती जो किसी से करो तो, दोस्ती जो किसी से करो तो, वो तो सब कुछ है अपना लुटाना। स्वभाव देखिए तिवारी जी, आज के मित्र कैसे हैं? सामने मिले, अजी साहब आपका जैसा कोई नहीं, आप ही तो मेरे सब कुछ है, आपके बिना मैं कोई नहीं। और पीछे मुंह पे सामने आए तो बोलना पड़े, बाकी है दुनिया का बुरा इंसान। मित्र के लिए तो प्राण त्याग दो और प्राण दे भी दो अपने, और अवसर आने पर उसका साथ दो। लेकिन आज के मित्र मुख के सामने कुछ और पीछे कुछ। सुदामा और कृष्ण की मित्रता से सीखी, मुख पे करते वो हरिदम प्रशंसा, पीठ पीछे करे वो बुराई बुराई, पीठ पीछे करे वो बुराई, पीठ पीछे करे वो स्वार्थ कारण, स्वार्थ कारण बने प्राण घाती। इस जमाने में कलेजा हिला देते हैं लोग और सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। स्वार्थ कारण बने प्राण घाती, दोष तो दोस्ती क्या निभाना, कन्हैया जी का मित्रवत व्यवहार देखिए। अपने आसन पे बिठाया, चरण धो रहे हैं और कहते हैं, अरे भैया सुदामा ये बताओ, मेरी भाभी माँ ने मेरे लिए कुछ भेजा है खाने के लिए, मेरी भाभी माँ ने कुछ भेजा है क्या? बोले कुछ नहीं। शर्मिंदगी आ रही कि मैं इतने बड़े राजमहल में आया हूं, मैं टूटे हुए चावल के दाने भूख ऐसे। ब्राह्मणी के द्वारा दिया हुआ चावल का दाना छिपा रहे हैं, इधर उधर छिपा रहे हैं। कन्हैया जी पहले से चंपल चपल हैं, चंचल हैं, नटकट हैं। कन्हैया जी ने बाजू में से वो पोटली को निकाल ली और कहने लगे, वाह सुदामा कि पाछी लिबानी अजीन तजी, तुम चोरी के बान में हो जो प्रवीण। ए पाछी लिबानी अजीन तजी, तुम चोरी के बान में हो जो प्रवीण हो, और पाछ चना गुरु मात दयेली नो, तुम जा भी हमें नहीं दीनो। अभी भी बदलाव नहीं आया, आदत नहीं गई आपकी। याद है आपको जब हम लकड़ी तोड़ने गए थे संदीपनी आश्रम में, गुरु मां ने चने दिए थे, आपने अकेले खा लिए थे, मैंने पूछा क्या है तो कहते थे दांत बज रहे हैं। अभी भी नहीं सुधार हुआ। और कन्हैया जी ने भावपूर्ण होकर के मुट्ठी उठाया, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी तांदुल खाई, एक लोक दही डारो, दूजी मुठ खाई के दो लोक दई दीने, दाई पकड़े हाथ रुकमिणी, हम हुक का मुरा कोगे, सब ही द्वारिका देश ब्राह्मण को दे। एक मुट्ठी खाया एक लोक, दूसरा खाया दोनों लोक दे दिया। अब यहां नस्वर शाश्वत अस्थूल और सूक्ष्म की बात। भगवान ने तो दो लोक दे दिया, लेकिन सुदामा को देते हुए कुछ दिखाई नहीं पड़ा ना। और जब चले तो कहते हैं कि जाती अहिर कमरी के ओढ़िया,
मन मन फिरत चरावत गईला। अरे मैं उसका मित्र हूँ, मैं उसके घर आया हूँ, उसमें इतनी भी अकल नहीं है कि एक ब्राह्मण घर आया हो तो उसको दक्षिणा देनी चाहिए। कुछ दिया ही नहीं, यही तो वही नहीं रहेगा, या कि बुद्धि घुटने में ही रहे, ये कभी बड़ा हो ही ना सके। लेकिन क्योंकि उन्हें शाश्वत का ज्ञान है, होता है तो ऐसा नहीं बोलते, अस्थूल का ज्ञान है, जो देते हुए दिखाई पड़ा, जो चीज आपको देते हुए दिखाई पड़ी है, जो चीज आपको देते हुए दिखाई पड़ी वो नाशवान है, और जो दिखाई नहीं पड़ी सब कुछ मिल गया वो शाश्वत है। सुदामा जी को देते हुए नहीं दिखाई पड़ा तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ दिया ही नहीं, और मन ही मन सुदामा जी की कृष्ण को कोसते हुए पोरबंदर की धरा पर चलते। शाश्वत और नश्वर, शाश्वत नश्वर, अस्थूल और सूक्ष्म। दृष्टा कभी दृष्टि में नहीं आता, ध्यान से होगा,